हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहां पर क्या है वो है बायोट सेवर्ट लॉ, जो कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक डिस्कस करना चाहूंगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक हमारा बायोट सेवर्ट लॉ है, इसके थोड़े से मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं जिससे कि मैं इसका बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। फिर इसके हम डेरिवेशन को देखेंगे, किस तरीके इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। मैं एक दो पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहूंगा तो पहला क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है एक इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर्स होता है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? यस, वी कैन ऑलरेडी नो रीड इन क्लास 10th। और क्लास 10th में हमने शायद बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्लास 10th में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। यस और नो, ओस्टेड ने एक करंट कैरिंग वायर लिया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिया था। उसने तीन एग्जांपल्स, तीनों अच्छी तरीके से वायर बताई है। पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, दूसरा सर्कुलर लूप है जिसे सेमी सर्कल बोलते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास सोलेनोइड है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, लूप की तरह, कोयल की तरह जो हमारे पास वायर होती है। उन्हें तीनों डिफरेंट केसेस को अच्छी तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सारी स्ट्रेंथ ऑफ करंट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने ओस्टेड का थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो मैं उसे आपको एक बार रिवाइज करा दूं, रिकैप करवा देते हैं कि वो था क्या। इन 1820 में ओस्टेड ने यह देखा कि करंट, जो मेरे पास एक वायर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक वायर है, जब उसमें करंट पास किया तो उसके साइड में रखी हुई कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। जैसे ही करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था कंपास में, लेकिन जैसे ही करंट पास हुआ उसके पास में रखी हुई कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। इट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। सो उसने, मैंने आपको बताया तीन टाइप की वायर डिस्कस की थी, एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, दूसरी सर्कुलर लूप, और तीसरी हमारे पास सोलेनोइड, जिसको हम उसकी तरह ही बोल सकते हैं, कॉइल की तरह भी। सो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जितनी भी होंगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर कर चुके हैं। ओस्टेड ने 1820 में ऑलरेडी बताया था, हमने 10th में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये टॉपिक जो था 10th का था, जो कि हमने यहाँ रिवाइज कर लिया है। एक और पॉइंट क्या है, सेगमेंट ऑफ, अच्छा इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बायोट सेवर्ट लॉ की मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई भी कंडक्टर है इसमें करंट पास होना है, इसके कुछ कुछ सेगमेंट पर करंट पास होता है, करंट तो पूरी वायर में पास होगा लेकिन कुछ कुछ सेगमेंट के कंट्रीब्यूशन से क्या बनेगा, करंट बनेगा। जो सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसे ही करंट एलिमेंट बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। मैं भी आपको डायग्राम बनाकर अच्छे समझाऊंगा। सेगमेंट ऑफ कंडक्टर, किसी भी बहुत बड़ा कंडक्टर है मेरे पास, कोई भी वायर है, तो छोटे छोटे जो पार्ट होंगे जिसे मैं इलेक्ट्रिक क्या करंट एलिमेंट मान सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट के एलिमेंट्स मान सकता हूँ, उसी क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ कंडक्टर। अब बायोट सेवर्ट लॉ दिया किसने, 18 आपने देखा था भी 1820 में ओस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट बताया, उसी के बाद दो साइंटिस्ट, दो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, कौन, एक तो जी बेस्टेड बायोट और एक फेलिक्स सेवर्ट, इन दोनों ने मिलकर सेवर्ट, मेरे पास फेलिक्स सेवर्ट का सेवर्ट और जीन बैप्टिस्टे का बायोट, इन दोनों ने मिलकर बायोट सेवर्ट लॉ बना इन दोनों के नाम से। बायोट सेवर्ट लॉ में इन दोनों ने 1820 में क्या कॉन्सेप्ट बताया, एक वायर ली, वायर में कुछ करंट एलिमेंट फिक्स किया, उसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक छोटा सा मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला भी यहाँ पे ड्राइव किया गया है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, बेसिक पॉइंट थोड़े थोड़े इससे सभी से रिलेटेड डिस्कस हो चुके होंगे, और जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे सभी डाउट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं, हम इसकी सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको एक छोटे मोटे पॉइंट क्लियर होंगे, जैसे कि ये की करंट एलिमेंट क्या होता है, बायोट सेवर्ट लॉ में डायरेक्शन कैसे कैसे बताई उन्होंने। सो मेरे पास कोई भी एक मैं वायर ले लेता हूँ, ये मान लेते हैं मेरे पास कोई एक वायर है, ये मेरे पास कोई भी वायर है, वायर ए बी, वायर का नाम लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास अपवर्ड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया था कंडक्टर में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरे पास वायर में करंट फ्लो होने वाला है। सो मैं इस थोड़े से पार्ट को, ये वाले सेगमेंट को मान लेते हैं, इसे मैं मान लेता हूँ क्या, करंट एलिमेंट, जिसकी लेंथ कितनी है, डेल एल, डेल एल। अब डेल एल क्यों मानी, पहले मैं ये पॉइंट भी बता देता हूँ, और साथ ही साथ ये भी हमें देखना होगा इसकी डायरेक्शन क्या है। जो मेरे पास करंट एलिमेंट है, क्या बोलते हैं इसे, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन टुवर्ड्स टू, या अलोंग बोल सकते हैं, किसकी, करंट की डायरेक्शन। जो वायर ए बी में करंट की डायरेक्शन है उसी के अलोंग ही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, पहला पॉइंट। जब इसके डायरेक्शन है सो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, वेक्टर क्वांटिटी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, मेरे पास जो इसकी लेंथ है क्या ये भी वेक्टर क्वांटिटी, यस ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, जो मैंने बताया इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, डेल एल इसकी लेंथ है, लेंथ का मैंने बोला छोटे छोटे पार्ट है तो इसलिए मैंने डेल एल ऐड कर लिया है। अब इस पॉइंट से इस इलेक्ट्रिक
क्या है करंट पर एलिमेंट पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। क्या पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर इसका सेंटर क्या है, ओ सेंटर मान लेते हैं। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए मैं इसको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे मैं इसकी डिस्टेंस को आर वेक्टर मान लेता हूं। इसकी डिस्टेंस को बोल सकते हैं सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है करंट एलिमेंट का। सो एक चीज और, जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है, और कितने पर्टिकुलर एंगल क्या है, थीटा डिग्री मेरे पास एंगल है। ठीक है, सभी पॉइंट्स डायग्राम के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक दो पॉइंट डायरेक्शन से रिलेटेड और भी है जो हम अभी और डिस्कस करेंगे जब मैं डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी चेक करना है। बी को मैं तीन चार पॉइंट और देखते हैं यहाँ पर बी से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पी पॉइंट पर वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। पहला पॉइंट, वो इसकी पर्टिकुलर लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, जो लेंथ डेल एल है। अगर करंट एलिमेंट की लेंथ बढ़ेगी तो ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये हमने ऑस्टेड की तीनों एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, इट मींस ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट एक था, तीन केस थे, स्टेट करंट कैरिंग अभी बताया था, लूप और हमारे पास सोलेनोइड, तीनों में पढ़ा है कि क्या स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे भी डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो मेरे पास करंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, आई से डिनोट करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक और देखते हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पे भी डिपेंड करेगा, क्यों, सेंटर है ये, वायर है, वायर के पास यहाँ कंपास रखी है तो डिफ्लेक्शन हुआ, और थोड़ा दूर रखते तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इट मीन्स उसकी डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। यस, सो डिपेंड कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं एंगल पर, क्या एंगल पर भी डिपेंड करेगा। यस, ये मेरे पास वायर है, वायर के ऊपर ही मैं पी पॉइंट रख दूंगा, सो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पर मेरे पास बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, जितना उसके सॉरी पैरेलल हो जाएगा 0 या 180 मिनिमम मेरे पास वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर रख दूंगा तो मैक्सिमम आएगा। इट मीन्स जो हमारे पास थीटा है मैग्नेटिक फील्ड है साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। फोर्थ पॉइंट क्या है मेरे पास, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, जितने भी ये तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, बायो सेवर्ट लॉ पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल वाला लॉ पढ़ा होगा, और फोर्स का इनवर्स स्क्वायर रूल पढ़ा होगा, सब डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मिड के डिस्टेंस के स्क्वायर के, जैसे कि आर है, सो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये चारों केस क्लियर हुए, इन चारों पॉइंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं, मर्ज कर दूं बाय कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन वी गेट, क्या मिलने वाला है हमें, तो देखिए डेल बी जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, डेल बी ले लेते हैं चेंजेस के साथ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए एक मेरे पास कांस्टेंट आएगा, के कांस्टेंट आ गया, कोई प्रॉब्लम, ये क्या है मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया के। अब के होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि आपने सुना था हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, वहां पर भी क्या आया था, वो क्या कूलम्ब्स लॉ में के कांस्टेंट आया था जिसकी कुछ वैल्यू भी थी, लेकिन बायो सेवर्ट लॉ में के की वैल्यू डिफरेंट होती है, वहां पर के क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसकी एक और यूनिट भी ध्यान रखना है वेबर पर मीटर पर एम्पियर, दोनों ही यूनिट हमारे पास यूज की जा सकती है, हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है यूनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मेरे पास के क्या है, ये क्लियर हुआ, म्यू नॉट क्या है, वहां पर हमारे पास क्या आया था याद है आपको एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस इन द सेंस ये डिपेंड करती है स्पेस पर, पी जहां पर लिया गया वो स्पेस क्या है, एयर है, वैक्यूम है, डायलैक्ट्रिक्स है, तो स्पेस की परमिबिलिटी से ये डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू अगर कोई आपसे पूछे तो डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई ये वैल्यू इसकी बता सकते हैं, और है क्या आपको पता ही है, ठीक है यूनिट सेम रहेगी। इससे रिलेटेड ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर, ये अब यूनिट भी सभी के क्लियर है, इसकी यूनिट आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं टेस्ला होती है, सभी पॉइंट टेस्ला क्यों रखा गया नाम ये भी डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आर की डायरेक्शन हमें पता है, वेक्टर क्वांटिटी ये भी पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन क्या होने वाली है। आपने क्लास 10th में सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर
से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसे बोलते हैं हम क्या, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के साथ साथ उसने एक और एग्जांपल दिया था कॉर्कस्क्रू रूल का, पढ़ा था कॉर्कस्क्रू का। तो ये मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास करंट कैरिंग वायर है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपवर्ड है, इसमें भी अपवर्ड है। सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इसे इस तरीके से इनक्लोज करेंगे। सो आपने देखा इसका इनक्लोज कैसा, इनवर्ड है, मतलब ये फिंगर्स का इनक्लोज करिए, अंदर की साइड इनक्लोज कर रही है, इनवर्ड है, ये बोल सकते हैं इनटू द पेपर। तो इनवर्ड या इनटू को कैसे हम डिनोट करते थे, क्रॉस के साइन से, याद है ना आपको, पेपर के अंदर की साइड है, इनवर्ड है और डायरेक्शन अपवर्ड है तब, या फिर बोल सकते हैं क्लॉकवाइज है। मैं सभी चीजें लिख देता हूँ, क्लॉकवाइज है या इनटू है या इनवर्ड है, ध्यान रखना है ये सभी पॉइंट हो गए। और मेरे पास ये क्या थी, डायरेक्शन इनवर्ड है या ऊपर की साइड है, अगर उल्टा हो जाता डायरेक्शन करंट ए से बी है, बी से ए हो जाती तो उल्टा हो जाता, आउटवर्ड हो जाता। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, डायरेक्शन के ऊपर भी वन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। बात होती है अब इसकी, इसकी डायरेक्शन की, मैं एक पॉइंट और बताऊं, डायरेक्शन क्लियर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, इनवर्ड होगी, इनटू द पेपर होगी, ठीक है। अब जो मेरे पास आर है, अगर मेरे पास पी पॉइंट करंट एलिमेंट के बिल्कुल सामने, मीन्स परपेंडिकुलर हो जाए, सामने इन द सेंस कुछ ऐसे हो जाए, पी पॉइंट यहां पर हो जाए, ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यस और नो। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो मेरे पास साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये मेरे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर आप केस बना सकते हो, 4b मैक्स लिख सकते हो ना, 4b मैक्स, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मीन्स परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट। और बात करते हैं 4 मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मेरे पास थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 0 या फिर 180। जब मेरे पास करंट एलिमेंट, ये मेरे पास करंट एलिमेंट है, मैं पी पॉइंट भी इसी के ऊपर आ जाएगा, मीन्स मेरे पास इसके मिड का एंगल, करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे है, तो दोनों के मिड का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे, साइन 0 की 0 होती है, सारा कॉन्सेप्ट 0, सो मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन भी क्लियर, इनके मैग्नीट्यूड भी क्लियर, वेक्टर क्वांटिटी है कैसे कैसे क्लियर, राइट हैंड थंब रूल का क्या यूज है वो भी क्लियर है, जो कि मैक्सवेल ने दिया था, ये भी ध्यान रखना आपको। बायोट सेवर्ट लोग, नाम बायोट सेवर्ट क्यों, दो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर आया, फिजिस्ट के ऊपर, कुछ लोग इसे बोलते हैं बायोट सेवर्ट लो, एक इंसान था, ऐसा नहीं था, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नाम है। क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन क्लियर हो गई है। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, फॉर्मूला ड्राइव, क्या क्या यूनिट होती है, यूनिट में के जो है, के क्या होता है, के की वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट क्या होता है, म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है, सभी बेसिक बेसिक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब एक बात करते हैं, क्या मैं बात कर रहा था, टेस्ला, हाँ टेस्ला भी एक क्या कहते हैं, फिजिशियन थे, उनके उनके नाम के बाद ही मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला रखी गई है। 1 टेस्ला इक्वल में क्या होगा, ये भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 1 टेस्ला इसकी यूनिट होगी, इसकी के हमारे पास ये आएगी मैथमेटिकली वैल्यू, ये एम्पियर, ये लेंथ, ये हमारे पास एंगल की कोई यूनिट है यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट में अच्छा याद आ गया, एक कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस करते हैं मैं इसकी आपको, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, एक छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट करके दिखाता हूँ इसी से, जो कि वेक्टर क्वांटिटी के बेस पे पूछा जाता है। ये मेरे पास के, के की वैल्यू चाहो तो ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, अभी एक मिनट के लिए, आई सेम डेल एन साइन स्क्वायर, मैं एक बार आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं। अब आपने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा होगा, क्या ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यस और नो। सो यहां पर क्या है, एल क्रॉस आर, या फिर बोल सकते हैं एल आर कॉस साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट है। सो मैं इन दोनों कैसे लिख सकता हूं, क्रॉस में लिख सकता हूं, यस क्रॉस में लिख सकते हैं, एल आर इंटू आर, यस और नो, ये मेरे पास अपॉन आर क्यूब, ए डी बी, ये कॉन्सेप्ट भी यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, अगर ये कैप के लिए यूज किया जाए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, आर की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर बात करी जाए इसकी कैप के लिए, कैप वाली फॉर्म इसकी ये यूज की जाती है, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कैप का फॉर्मूला याद है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं काफी ज्यादा, सभी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। आई होप सो कि बायोट सेवर्ट्स लॉ से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपको डिस्कस हो गए, सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बायोट सेवर्ट लॉ वर्सेस कूलम्स लॉ, इसकी कुछ सिमिलरिटीज हैं दोनों में, कुछ डिसिमिलरिटीज, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कुछ काफी ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। होप सो जितना आपको कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हमने कवर किया है सभी क्लियर हो गए होंगे।
फिर भी कुछ डाउट रहे होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।